दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि स्क्रीन पर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। 1000 स्क्वायर फुट में पूरा प्लान मैंने क्रिएट किया है और हमारे जानने वाले थे उनका उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्लान क्रिएट किया गया है। 20x50 का प्लान है, कॉर्नर का प्लॉट है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें कार पार्किंग भी मिलती है, साथ साथ आपको एक शॉप दुकान भी मिलती है ग्राउंड फ्लोर पर और 2 बेडरूम लेट बाथ किचन स्टोर रूम और पूजा घर को भी मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। अगर आप भी 20x50 का प्लॉट ढूंढ रहे थे यूट्यूब पर तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो प्लान क्रिएट किया वो ज़्यादातर कॉमन प्लान है, ऐसा ही लोग क्रिएट करवाते हैं और यही उसमें कार पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है और कॉर्नर के प्लॉट के हिसाब से इस प्लान को मैंने डिजाइन किया। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट नहीं है, आपका केवल फ्रंट है, तो अब भी मैं आपको एक मेथड के बता दूंगा कि आप कैसे कॉर्नर को रिमूव करके इसी प्लान को सेम टू सेम प्लान को एक फ्रंट एलिवेशन वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और मैं आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें। मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप जो चाहते होंगे वैसा घर क्रिएट किया जाता है। ध्यान ये रखना है कि वो हमारी पेड सर्विस है और 50% पेमेंट आपको पहले देना होता है, 50% बाद में। फ्री में आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि आपका भी टाइम खराब होगा और हमारा भी, इसका विशेष ध्यान रखें। और एक मैं आपको ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि आप जो भी कमेंट बॉक्स में नंबर अगर आपको मिलता है कि आपसे बोला जाता है, आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, मैं आपका घर बना कर दूंगा, तो आप उस पर बिल्कुल कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रहे। और आप जब मुझसे मेरी आपकी बात हो जाए तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा आप किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो चलो आज का जो प्लान है 20x50 को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसे डिस्कस करने से पहले आपको मैं ले चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला, देख सकते हैं फ्रंट इसका ये है जो आपको दिख रहा है, ये आपका साइड है, मतलब कॉर्नर, इधर से फ्रंट से भी रोड है, साइड से भी रोड है, तो मैंने साइड से भी डोर दिया है जिससे आप प्रॉपर इसको एक्सेस कर पाएँ। तो ये फ्रंट एलिवेशन, ये मैं जूम करके अगर दिखाना चाहूँ इस मॉडल को, तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, लो बजट, ज़्यादा मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें क्रिएट नहीं की हैं जिससे ज़्यादा प्लान की कॉस्टिंग हो जाती है, फिर प्रॉब्लम्स होती है लोगों को घर बनवाने में, क्योंकि सभी के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए मैं ऐसे प्लान क्रिएट करता जो आपकी बजट को फिट करें, बजट में आप पैसे बनवा सकें। नीचे आपकी दुकान है तो कॉर्नर पर मैंने दुकान निकाली है, इसलिए दोनों तरफ शटर का प्रावधान रखना है, शटर आप दोनों तरफ मैंने दिया है। तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप ये जो ग्रीन कलर का एक पैनल टाइप का देख रहे हैं इसे इग्नोर करें, फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है मैंने। तो फ्रंट में आपका ये मेन डोर है, देखिए कार पार्किंग रखी, इस वजह से मैंने गेट को 3 फीट अंदर से लगाया, हालांकि आपका प्लॉट यहाँ से स्टार्ट है लेकिन 3 फीट अंदर से मैंने मेन डोर लगाया है जिससे गाड़ी आपकी आसानी से पार्क हो जाए, आपको स्लोप प्रॉपर मिल जाए। ये क्योंकि यहाँ पर फ्रंट में मैंने दुकान बनाई है तो इसलिए यहाँ पर शटर लगाया है, साइड में भी शटर है, इसके बाद आपका यहाँ पर भी इस साइड से भी आपका मेन डोर मैंने एक डोर रखा है, इससे आप एंट्री कर सकें, आंगन में आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री करेंगे और इधर विंडो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है तो वहाँ लगाया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अभी मैं उसे टॉप व्यू जब दिखाऊंगा तब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मेन डोर से जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको कार पार्किंग का स्पेस मिलता है। देखिए मैं मकान को पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ये जो वॉल आप देख रहे हैं बीच में टोटल 50 फीट है, तो ये 25 फीट पर मैंने वॉल क्रिएट की है, बाहर से 25 फीट, अंदर से भी 25 फीट, मतलब घर को दो पोर्शन में पहले डिवाइड किया है। 25 फीट में आगे का पोर्शन डिजाइन है जिसमें कि आपकी कार पार्किंग और स्टेयर्स एक तरफ, और इधर की बात करें इधर आपका अपना शॉप, इसके बाद ये लेट एंड बाथ, ये आपकी किचन, इस किचन को आप अपने आंगन से एक्सेस कर पाएंगे। मैंने इधर से डोर नहीं दिया है, सिर्फ विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। ये कार पार्किंग का स्पेस है, आप कार पार्किंग कर पाएंगे। इसके बाद ये आपकी दुकान है, शॉप है, जिसके लिए मैंने डोर यहां पर दिया है, इसका ये लेट एंड बाथ है आपके लिए। मैंने यहाँ पर 2 लेट बाथ किए हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर रूम के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस लेट बाथ को हटा सकते हैं, पूरा रूम यहाँ से कवर करिएगा, प्रॉपर बनेगा इसका। जैसे आप अंदर जाते हैं तो ये देखिएगा, ये 2 आपको बेडरूम सबसे पीछे मिलते हैं, ये आपको मैंने लेट एंड बाथ का एक ऑप्शन दे दिया है, अगर आप यहाँ लेट बाथ नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रखा जा सकता है। और किचन को एक्सेस करने के लिए इस आंगन से मैंने डोर दिया है, आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। और जो साइड में आपको एक डोर दिख रहा था ना, ये डोर आपको आंगन में ही ओपन होता है, आप अगर साइड से भी जाते हैं अपने घर में तो आंगन में ही प्रवेश करेंगे,
और इसके बाद अपने पूरे घर को एक्सेस कर पाएंगे। पीछे दो बेडरूम, उसी के बगल में लेटरिन बाथ, इसके बाद इधर अगर हम बात करें बाहर की साइड आपको गेस्ट रूम, या आप इसे अगर दुकान नहीं बनाना चाहते तो एज अ गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कार पार्किंग, लेट बाथ, किचन, ये पूरा मॉडल 3D में मैंने आपको बनाकर दिया है, बहुत ही बेहतरीन 25x50 फीट में। आप बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। आप जीने के माध्यम जैसे ऊपर आएंगे तो मैंने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किए हैं, दोनों वैसे, पीछे बेडरूम है, ये आपका लेटन बाथ आंगन है, ये आपका किचन है, ये लेट बाथ, ये आपका जो स्टोर रूम सॉरी शॉप थी उसको मैंने एज ए गेस्ट रूम कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर कार पार्किंग के लिए जो स्पेस था उसको बालकनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोर और विंडो दिया है, यहाँ पर ग्रिल का इस्तेमाल कर दिया, चारों तरफ 2.5 फीट का ग्रिल मैंने दिया है, स्पेस दिया है, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता था विंडो वो दिया है, तो ये देख सकते हैं। फ्रंट में पैनल को मैंने इस्तेमाल किया, कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, इससे आपके घर का बेहतरीन सा लुक लग सके। और यहाँ पर मैंने डोर दिया, दोनों तरफ विंडो, बीच में डोर, जिससे आपको बालकनी को एक्सेस कर पाएँ। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट सेकेंड फ्लोर की, तो जैसे सेकेंड फ्लोर पर आते तो वो भी मैंने कोई चेंजमेंट नहीं किया, सिमिलर प्लान है। अगर आप कोई चेंजमेंट चाहते हैं तो बहुत ही अपने अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन हो जाता है और लास्ट फ्लोर पर आपका चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल और बेहतरीन सा 2.5 फीट का छज्जा फ्रंट में और साइड में दिया है। ये आपका गुमटी बनाया है जो कि आपके जो स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए, तो ये पूरा 20x50 फीट में बेहतरीन सा प्लान आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको अनाउंस किया हमारी पेड सर्विस चलती है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।